रंजित सरांना फोन करा. हॅलो इधर शरद पवार अपने घर से निकले हैं संभवतः, और उनके पीछे अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हैं, लगातार संपर्क की कोशिश कर रहे हैं उनसे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं. अभिषेक, कहाँ हैं आप और शरद पवार किधर की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए शरद पवार अभी, अरुण मैं अगर तस्वीरें दिखाना चाहूं, कैमरामैन से कहूंगा कि अगर ब्लर न करे तो तस्वीरें दिखाए. इस रास्ते पर शरद पवार निकले हुए हैं, थोड़ी दूर पर आगे हैं और वो सीधे वाईबी चौहान सेंटर जहां पे शरद पवार का ऑफिस है और अमूमन सारी मीटिंग्स वहीं पर होती है, वहां के लिए निकले हैं. आज 12:30 बजे अहमद पटेल सहित तमाम सारे दूसरे बड़े कांग्रेसी नेता, शायद उम्मीद की जा रही है कि अहमद पटेल भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सारे दूसरे नेता, शरद पवार और खुद उद्धव ठाकरे मौजूद होंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उसके बाद 4 बजे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है शरद पवार की. शरद पवार भी अब शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी जिस तरीके से नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं उन्होंने आकर के मीडिया से कहा कि ये जो समर्थन पत्र था, दरअसल समर्थन पत्र नहीं था, सिग्नेचर था, विधायकों का अटेंडेंस का लेटर था और वो ले जाकर के उन्होंने राज्यपाल को सबमिट किया है और उसके बल पे सरकार बनाई है. ये पूरी तरीके से नाजायज और गलत है और इसमें शरद पवार का कहीं भी रोल नहीं है. और ऐसे में अजीत पवार के साथ जो विधायक गए भी हैं, छलावे में गए हैं या फिर उनको बरगला कर ले जाया गया है, वो सभी विधायक अब फिर से एक बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें अपने उनके पास आने की तैयारी कर रहे हैं. यानी परिवार में देखिए अरुण किस तरीके का ड्रामा चल रहा है. अगर ये ड्रामा है और अगर ये सियासी पारी की नई शुरुआत है, खासकर राज ठाकरे और बाल ठाकरे के बाद, तो अमूमन चौंकाने वाला है. और अगर इस तरीके से, जिस तरीके से एनसीपी लगातार कह रही है कि वो समर्थन पत्र दरअसल नहीं था, वो सिग्नेचर किया हुआ जो अटेंडेंस लेटर होता है वो उठा ले गए, और अगर अटेंडेंस लेटर उठाकर लेकर जाते हैं अजीत पवार तो क्या राज्यपाल उस अटेंडेंस लेटर के बल पर सरकार बनवा देते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है. और साथ ही सुप्रिया सुले यहाँ घर से निकल गई, शरद पवार घर से निकल गए और तमाम सारे एनसीपी के जो बड़े नेता, खासकर लॉयलिस्ट है, वो सब शरद पवार के घर पर सुबह से पहुंच रहे थे. और अभी जो खबर आ रही है कि छगन भुजबल और बाला साहब थोरात, अशोक चौहान और तमाम सारे कांग्रेस और एनसीपी के नेता एक जगह मिलकर के आगे की स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं. अजीत पवार ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर एनसीपी तोड़कर कोई बीजेपी में जाएगा तो संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा ताकि उसको सबक सिखाया जा सके, अब यहाँ पर अजीत पवार खुद ही पार्टी तोड़ करके बीजेपी में शामिल होने की फिराक में आ गए हैं, तो ऐसे में कौन संयुक्त उम्मीदवार होगा और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण लिखा जा रहा है क्या? और अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के सारे कोर विधायकों की बैठक बुलाई है, तमाम सारे बड़े विधायकों की बैठक बुलाई है, बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है जो कद्दावर और रसूखदार नेता है. कद्दावर और रसूखदार इसलिए कह रहा हूं कि जिनके पीछे कम से कम 10 से 12 विधायकों की संख्या होती है, तो क्या उनको ये कहा जा सकता है क्या कि अगर फ्लोर मैनेजमेंट हो, फ्लोर पर अगर टेस्ट करने की बात आए तो ऐसे